हाथरस की सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। घायल हुआ तस्कर अभी हाल में सादाबाद में हुई गौ कशी की वारदात में शामिल बताया जा रहा है। हाथरस जनपद में लगातार हो रही गौ वंश हत्या की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे पुलिस चेकिंग अभियान में मंगलवार की रात सादाबाद कोतवाली क्षेत्र जलेसर रोड पर पुलिस से बचकर भाग रहे एक संदिग्ध ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर के अस्पताल पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे, सीओ सादाबाद रुचि गुप्ता, हाथरस सदर सीओ सुरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे ने बताया कि रात में थाना अध्यक्ष सह पहु अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया जो बिल्कुल नहीं रुका, पीछा किया और साथ ही सादाबाद पुलिस को भी सूचना दी। दूसरी तरफ से सादाबाद पुलिस और एसओजी भी आ गए। बदमाश अपने आप को घिरता देख मोटरसाइकिल छोड़कर खेत में कूद गया और पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। एसपी ने बताया कि यह थाना चंदपा क्षेत्र में गौकशी के मामले में गैंगस्टर में वंचित चल रहा था। साथ ही अभी हाल ही में सादाबाद क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना में भी शामिल बताया जा रहा है। आज थाना अध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। मोटरसाइकिल से एक संदिग्ध व्यक्ति उधर से गुजरा, जिसको न रोकने का प्रयास किया न रुका, तेजी से भाग रहा था। उसका इन्होंने पीछा किया और इन्होंने चूँकि सादाबाद की तरफ जा रहा था, सादाबाद क्षेत्र को बताया, उधर से सादाबाद और एसओजी की टीम पहुँची। अपने को गिरता देख बदमाश जो है मोटरसाइकिल देख करके खेत में चल कूद गया और वहाँ से पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर में कारों गिरी आई है। अभी ये उपचारार्थ मंगला हॉस्पिटल लाएगा, शेष जानकारी की जाए। क्या ये कुछ लोगों का कुछ मामला बांझ नहीं सर? हाँ, जो अभी तक जो जान मतलब ये हमारे यहाँ से पूर्व में बोकस के संदर्भ में थाना चंदपा पर जो गैंगस्टर था उसमें वांछित चल रहा था। अभी सादाबाद में गुप्ती की घटना हुई थी, जिसमें भी वांछित चल रहा था। इसका कोई और साथी भी था साथ में या अभी शेष पूरी जानकारी की जाए।